चलिए जी, इसका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, बताइए कि गैल्वेनोमीटर का क्या डिफ्लेक्शन होगा, कितना वोल्ट शो करेगा। ईएमएफ प्रोड्यूस जो होगा, एक्चुअल ईएमएफ होगा वो ई नॉट माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्या होगा क्यू सी। और आपको हम बताए थे कि जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो कैथोड बर्थ होंगे, तो पीएस 7 का मतलब हुआ एच प्लस कंसंट्रेशन 10^-3, और पीएच का हुआ एच प्लस कंसंट्रेशन 10^-7। तो पीएच कम जो है ये हाई कंसंट्रेशन है, ये क्या है हाई कंसंट्रेशन, तो ये क्या बिहेव करेगा कैथोड। यही सब चीज समझ गईगा तब तेज हो गए, नहीं समझेंगे तब अनाड़ी रह जाइएगा, ये रह जाएगा एनोड। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है क्यूसी में। अब आपको समझिए कि कैथोड है तो कैथोड में क्या होगा, एच प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और एच टू में जाएगा, ठीक है, एच प्लस का जो भी कंसंट्रेशन है। और एनोड पर क्या होगा बताइए, एच टू जो होगा वो एच प्लस में बदलेगा और यहाँ पर क्या निकलेगा बोलिए, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों में सेम चीज होगा। तो जब इसका क्यूसी लिखिएगा तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एच टू है और यहाँ एच प्लस है, तो मतलब कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये दोनों इक्वेशन जुटेगा ना भैया, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, रिजल्टेंट आपका क्या बचा है, ये नीचे वाला 2H+ जो कि क्या हो जाएगा एच प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और लेकिन ये कौन वाला है बताइए, हाई वाला तो कैथोड बट किया था, ऊपर वाला क्या है एनोड वाला, एनोड वाला कौन है बोलिए, लो कंसंट्रेशन, समझ रहे हैं। और यहाँ पर भी एच प्लस का ही कंसंट्रेशन है, वो कहाँ का कैथोड का, और वो कौन है हाई कंसंट्रेशन। ये चीज समझ गए तभी जाके ये इस टाइप का क्वेश्चन बना पाइएगा। क्यूसी लिखने के लिए धैर्य रख के लिखना होगा, दोनों सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पर चूंकि इनका कंसंट्रेशन हाई है तो कैथोड होगा, तो मतलब जो हाई वाला है वो नीचे चले जाएंगे, मतलब कि यहाँ जब आप क्यूसी लिखिएगा तो जब क्यूसी का एक्सप्रेशन दिवाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एच प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, लेकिन ये होगा हाई वाला और ये एच प्लस कंसंट्रेशन, ये कौन होगा लो वाला। अब पीएच के टर्म में नहीं समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग का दिमाग बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इधर उधर घूम जाता है बड़ी आसानी से। अब हाई कंसंट्रेशन नहीं कि हाई पीएच, हाई कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है लो पीएच। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी स्क्वायर रहा होगा, इसमें भी स्क्वायर होगा, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, समझिए बात को, कि हाई कंसंट्रेशन वाला का वैल्यू कितना है, पीएच कितना है 10^-3, और नीचे वाला का कितना है 10^-7। टोटल सॉल्व करके आपका ऊपर में आ जाएगा लॉग 10^4, क्या आ जाएगा 10^4। तो ये अगला स्टेप में हो जाएगा -0.0591/2, ध्यान समझिए, ये 10^7, ये 10^7, ये बड़ा वैल्यू है, बात समझ रहे ना, तो इसका 4 स्टेप्स क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और यहाँ 2 से ही कट जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ये होगा। हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिलेशन बिटवीन, हाँ हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी को आप किस फॉर्म में लिखते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी के फॉर्म। तो हम कहते हैं कि कोई भी सेल तब तक, कब तक काम करेगा, कोई भी आप सेल बनाते हैं कब तक काम करता है, जब तक कि उसके गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज निगेटिव है तब तक वो काम करेगा। मतलब कोई भी प्रोसेस जिसमें गिव्स फ्री एनर्जी का डिक्रीज होगा वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। किसी भी प्रोसेस में मान लिया जाए पहले किसी के पास गिव्स फ्री एनर्जी है 1000 वोल्ट का, और बाद में गिव्स फ्री एनर्जी हो जाए उसके पास 5 वोल्ट का, ध्यान से सुनिएगा। तो जब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी लिखिएगा तो हमेशा चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 5 वोल्ट है, इनिशियल 100 वोल्ट था तो -95 वोल्ट हुआ, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज निगेटिव हुआ, मतलब ये प्रोसेस होगा,
ये प्रोसेस कैसा होगा, तो खुद ब खुद होगा। बात समझे कि कोई भी प्रोसेस वही होता है जिसमें कि गिव्स फ्री एनर्जी घटता है, और कोई चीज घटेगा तो उसका चेंज क्या होगा, निगेटिव। जैसे आप ही घटे घटिएगा, मान लिया जाए अभी उम्र लेंथ आपका रहता 6 फीट और 2 दिन के बाद आपका उम्र 5 फीट हो जाता है, तो चेंज क्या निकलता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका क्या आएगा, निगेटिव। कोई भी प्रोसेस जिसमें कि डेल्टा जी का चेंज निगेटिव होगा वही स्पॉन्टेनियस। दुनिया में स्पॉन्टेनिटी का जो फाइनल पैरामीटर है वह है गिव्स फ्री एनर्जी। दुनिया में कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस 2 कारण से होता है, या तो वहां पर हीट का रिलीज होता है एनर्जी घटे, या एंट्रोपी बढ़े। तब कुछ कुछ प्रोसेस ऐसा था जिसमें कि एनर्जी भी घट रहा था एंट्रोपी भी घट रहा था, तो वहां पर समझ ही नहीं आ रहा था कि स्पॉन्टेनियस होगा कि स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एक नया थर्मोडायनेमिक पैरामीटर आया जिसका नाम है गिव्स फ्री एनर्जी, और ये दोनों फैक्टर को अपने साथ समाहित किए हुए हो। गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही हम बोले यही हुआ आपका इंथाल्पी फैक्टर एनर्जी फैक्टर, और यही हुआ इंट्रोपी फैक्टर, यही हुआ इंट्रोपी फैक्टर। इन दोनों को फैक्टर से मिलके ये आपका बना है गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी 2 फैक्टर का समेटिव सिस्टम है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए क्या जरूरी है कि इन दोनों को मिला के जो डेल्टा जी बने वो निगेटिव। बात समझे कि यदि किसी प्रोसेस का डेल्टा जी, सुनिएगा बात में, डेल्टा जी निगेटिव हो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव हो वैसे प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, और डेल्टा जी जीरो होगा तो प्रोसेस कहां पर पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पर। तो गिव्स फ्री एनर्जी का घटना बताता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। जैसे कि आप समझिए, आप एक आदमी हैं, सुबह में आपको एनर्जी दिया जाए, मान लिया जाए आपको एनर्जी सुबह में 2000 किलो कैलोरी खाना के रूप में दिया दी, उस एनर्जी का कुछ पोर्शन आप अपना श्वास लेने में खर्च करिएगा, ब्लड के सर्कुलेशन में खर्च कीजिएगा, बात को ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ अमाउंट को आप अपने शरीर को गर्म करने अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में करिएगा। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम 2000 आपको खिलाए और 2000 का हम बर्क करवा लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि 2000 खाइएगा तो अपना होम्योस्टेसिस और अपना एक्सपेंशन वर्क करने में भी एनर्जी आपका खर्च होगा। मतलब कि किसी आदमी को यदि हम 2000 किलो कैलोरी दिए हैं तो कभी भी 2000 किलो कैलोरी का वर्क नहीं मिलेगा, वह वही एनर्जी से वर्क करेगा जो उसके डेल्टा जी के चेंज में हो। मतलब हम एक चीज कहते हैं कि डेल्टा जी ये बताता है कि किसी भी सिस्टम में वर्क के लिए अवेलेबल कितना एनर्जी है। जैसे कि एग्जाम्पल आप भी एक सिस्टम है, मान लिया जाए सवेरे आपको हम 2000 किलो कैलोरी दिए, ध्यान से समझिएगा 2000 किलो कैलोरी दिए, आप इसमें से अपना होम्योस्टेसिस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मान लिया जाए 500 किलो कैलोरी खर्च कर दिए, आप अपना एक्सपेंशन वर्क में, एक्सपेंशन वर्क जैसे आपका हार्ट लंग ये सब एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन वर्क में मान लिया जाए 600 किलो कैलोरी खर्च कर दिए, तब आपके पास जो अवेलेबल वर्क के लिए जो अवेलेबल है, जो आप एक्स्ट्रा वर्क नॉन एक्सपेंशन वर्क के लिए जो अवेलेबल एनर्जी होगा वो कितना होगा, 900 किलो कैलोरी। मतलब आप वर्क जो करेंगे इसी एनर्जी के डिक्रीज पर करेंगे, जितना वर्क करेंगे ये एनर्जी घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, और जब ये एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा तो आप पूरा जो एनर्जी आपको वर्क के लिए मिला वो पूरा खत्म कर दीजिए, और आप कहते हैं कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आप काम नहीं हो। काम नहीं होने का कहने का मतलब हुआ कि जो भी वर्क के लिए अवेलेबल एनर्जी था आप पूरे के पूरे को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि किसी सिस्टम को जो एनर्जी मिलता है उससे वह 3 काम करता है, कोई भी सिस्टम को एनर्जी मिलता है तो उससे वह 3 काम करता है,
पहला कि अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, दूसरा उससे एक्सपेंशन वर्क करता है, तीसरा जिसको नॉन एक्सपेंशन या जिसको यूजफुल वर्क कहते हैं वही वर्क से आप जो बाहरी कामकाज किताब कॉपी पढ़ते हैं वही है। तो कोई भी इनर्जी जो बाहरी काम करने में खत्म होता है, जो कि ना कि एक्सपेंशन वर्क में यूज हुआ ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हुआ, तो उसी इनर्जी को कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। वह इनर्जी जो कि एक्सटर्नल नॉन एक्सपेंशन वर्क के लिए आपको अवेलेबल है, आप किताब पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ रहे हैं तो एक्सपेंशन तो आप नहीं कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, तो वही इनर्जी आपका है गिव्स फ्री एनर्जी। लेकिन एक चीज यहां समझना होगा कि किसी आदमी के पास 900 किलो कैलोरी एनर्जी है गिव्स फ्री एनर्जी, इसका मतलब नहीं कि वो 900 किलो कैलोरी बर्न कर देगा। अब उस पर मन पर है कि वो जो मैक्सिमम बर्न करेगा वो 900 किलो कैलोरी का होगा, ये नहीं कि 900 किलो कैलोरी मेरे पास बच गया तो हम बर्न कर रहे हैं, हम तकिया पर सो भी सकते हैं, लेकिन जो हम मैक्सिमम बर्न कर सकते हैं वो इसके बराबर होता है। मतलब ये चीज को समझना होगा कि गिव्स फ्री एनर्जी वह एनर्जी है जिस एनर्जी को आप बर्क में, जो मैक्सिमम बर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप उसका ये कोई एनर्जी बर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप घर में आराम से सो सकते हैं, क्योंकि सारा एनर्जी जो आप लेते हैं वो बर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ खत्म होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में, बढ़ाने में, कुछ एनर्जी खत्म होता है एक्सपेंशन वर्क में, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बचा उसको आप बर्क में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बर्क में कन्वर्ट नहीं भी कर सकते, ये आपके मन पर डिपेंड करता है, लेकिन आप कितना भी चाह लीजिएगा तो उससे ज्यादा एनर्जी को बर्क में कन्वर्ट नहीं, आप अपना लंग्स को रोक के आप बर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप अपना सर्कुलेशन रोक के बर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वह एनर्जी जो कि बर्क में आप मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकते हैं उसी एनर्जी को कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। क्लियर हुआ बात? गिव्स फ्री एनर्जी वह एनर्जी है जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं? तो इतना बात को लिखते जाएंगे, अब इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय एनी गैल्वेनिक सेल वोल्टेइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सेल, चारों बात सही। क्या लिख सकते हैं? गैल्वेनिक सेल, या लिख सकते हैं क्या वोल्टेइक सेल, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सिर्फ सेल, एनी सेल इज ऑब्टेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और ए केमिकल प्रोसेस, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन बाय डब्लू मैक्स एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी, एंड इट इज द डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। नोट नहीं भी लिख सकते, सिंपल ले लिखे, जब इसमें नोट लगेगा तो उसमें नोट लगेगा। तो मैक्सिमम जो वर्क होगा वो इसी के बराबर होगा, मतलब कि कोई सेल मैक्सिमम कितना वर्क करेगा इस चीज के पहले आपको उस सेल का इस सेल निकालना पड़ेगा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और कितना फैराड से आप उससे गुना करिएगा तो वो आपको मैक्सिमम वर्क देगा। चीज सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आप देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, इसको पहले इसमें क्वेश्चन फॉर्म में इसको हम समझाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ए केमिकल रिएक्शन, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है इसलिए हम उस कंफ्यूजन पर ही हाथ देते हैं।
ए केमिकल रिएक्शन गिवेन बाय टू जेड एन प्लस टू सी यू टू प्लस इक्वल टू टू जेड एन प्लस प्लस टू सी यू सॉलिड. फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन बाय दिस सेल. फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन बाय दिस सेल. तो जैसे ही हम मैक्सिमम वर्क लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? माइनस डेल्टा जी ऑफ द सेल, सेल रिएक्शन. अब यहां पर सब लोग ये यहां तक सब लिख देते हैं, ठीक है, यहां तक का काम सब लोग करते हैं. और वो यहां पर लिखते हैं माइनस एन एफ ई नॉट ई सेल. लेकिन अब गलती कहां कर देंगे, उनको एन ही लिखने नहीं आएगा, उनको एन लिखने नहीं आएगा. एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यू मैक्स जब रहे, ध्यान रखिए ये माइनस डेल्टा जी होगा, तो डेल्टा जी में ये चीज होता है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा. तो ये आपका हो जाएगा एन एफ, यदि हमको डब्ल्यू मैक्स बोलेगा तब हम ये लिखेंगे, और डेल्टा जी पूछेगा तब ये बात लिखेंगे. ये माइनस इसके अंदर गुना है, बात समझे. यहां पर गलती कौन करेगा, देखिए यहां पर n का क्या वैल्यू लीजिएगा, यही गलती हो जाता है. n का क्या वैल्यू लीजिएगा, गलत जवाब है. क्योंकि देखिए एक जिंक को दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत हो रहा है, जिंक से जिंक टू प्लस जा रहा है, लेकिन यहां दो से गुना है. तो यहां पर इसी चीज को ध्यान में रखना है, यहां पर n f e सेल, ये चीज को ध्यान रखना है. तो जब भी हमको डब्ल्यू मैक्स बोले तो ये माइनस इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड है, तो इस माइनस को इसमें जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा फोर एफ ई नॉट. आंसर यही चीज को समझना है कि एक जिंक एटम के लिए दो चाहिए, तो यहां पर चूंकि रिएक्शन में आगे में क्या बना हुआ है, दो से गुना किया है, तो वहां पर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही चीज समझना है. फिर दूसरा क्वेश्चन में लिखिए, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन जेड एन प्लस सी यू टू प्लस एक्वस एरो जेड एन प्लस प्लस एक्वस प्लस सी यू सॉलिड. इसके लिए आपको निकालना है डब्ल्यू मैक्स. डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो क्या लिखाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी. अब माइनस डेल्टा जी के लिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और ये चीज यहाँ पर हो जाएगा. तो ये आपका प्लस एन का वैल्यू, यहाँ पर बताइए जी एन का वैल्यू कितना होगा, जेड एन टू प्लस, तो किसी एक हाफ सेल के लिए निकाल लीजिए टू एफ ई नॉट सेल. तो यही चीज समझना है कि कब कितना हम एन का वैल्यू लेंगे. बाकी सब लोग ये क्वेश्चन बना देते हैं. और ये दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है. गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नॉट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, दोनों को ध्यान से देखिए. ना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है. गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नॉट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, दोनों को ध्यान से देखिए. ना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है. गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नॉट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है कि पूछ रहा है, दोनों को ध्यान से देखना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है. गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नॉट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है कि पूछ रहा है, दोनों को ध्यान से देखना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है. गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नॉट होगा,
और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसका साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्ड पूछ रहा है कि पूछ रहा है, दोनों को ध्यान रखना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसका साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्ड पूछ रहा है कि पूछ रहा है, दोनों को ध्यान रखना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसका साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्ड पूछ रहा है कि पूछ रहा है, दोनों को ध्यान रखना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसका साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्ड पूछ रहा है कि पूछ रहा है, दोनों को ध्यान रखना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसका साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्ड पूछ रहा है कि पूछ रहा है, दोनों को ध्यान रखना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्ड पूछ रहा है कि पूछ रहा है, दोनों को ध्यान रखना है कि हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा तो एक माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा एक माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्ड पूछ रहा है ना है कि हमसे कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मैक्सिमम वर्ड पूछ रहा है कि हमसे कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? कि डब्ल्यू मैक्स पूछ रहा है। पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा, और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? पूछेगा तो माइनस
प्लस एन एफ ई नोट होगा और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? पूछेगा तो माइनस एन एफ ई नोट होगा और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? पूछेगा तो माइनस प्लस एन एफ ई नोट होगा और डब्ल्यू मैक्स पूछेगा आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? पूछेगा तो माइनस और डब्ल्यू मैक्स पूछ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? पूछेगा तो माइनस और डब्ल्यू मैक्स पूछ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? पूछेगा तो माइनस और डब्ल्यू मैक्स पूछ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, समझे कि नहीं? पूछेगा तो माइनस और डब्ल्यू मैक्स पूछ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, समझे कि नहीं? पूछेगा तो माइनस और डब्ल्यू मैक्स पूछे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, समझे कि नहीं? पूछेगा तो माइनस और डब्ल्यू मैक्स पूछे आ जाएगा तो ये प्लस, समझे कि नहीं?